नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करेंगे पाठ संख्या 8। और पाठ संख्या 8 का शीर्षक है सर्वनाम। गरिमा एक अच्छी लड़की है। वह कक्षा 4 में पढ़ती है। उसके पिताजी बैंक मैनेजर हैं। उसकी माताजी अध्यापिका हैं। उसे कई पुरस्कार मिले हैं। इन वाक्यों में गरिमा संज्ञा है। संज्ञा के स्थान पर वह, उसकी, उसके और उसे का प्रयोग किया गया है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले इस प्रकार के शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। तो बच्चों, यहाँ सारी बात गरिमा के बारे में हो रही है। अगर हम ऐसे लिखें, गरिमा एक अच्छी लड़की है, गरिमा कक्षा 4 में पढ़ती है, गरिमा के पिताजी बैंक मैनेजर हैं, तो ये कुछ सुनने में और लिखने में भी ठीक नहीं लगेगा। तो इसीलिए संज्ञा के स्थान पर कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है और उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ अन्य उदाहरण देखिए। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, क्या आप मेरे साथ चलेंगे। वह एक पुराना घर है। इन वाक्यों में जो रंगीन छपे शब्द हैं वह सर्वनाम हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। सुनने वाले, बोलने वाले या किसी अन्य के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण देखिए। मधुर बोली, मैं खाना नहीं खाऊंगी। मैं कौन है? कहने वाला। सुनील ने विपिन से कहा, तुम उदास क्यों हो। तुम कौन है? जो के सुनने वाला, विपिन सुन रहा है। संजय और श्रवण यहाँ खड़े थे, अब वे कहीं चले गए। वे क्या है? अन्य व्यक्ति। तो ये कौन कह रहा है? अन्य व्यक्ति। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले आता है उत्तम पुरुष। बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। जब हम अपने लिए कुछ बोलते हैं या कोई एक इंसान अपने लिए बोलता है तो वो कैसे कहता है? मैं। और जब 2, 4, 5, 6 या 1 से ज़्यादा लोग अपने बारे में बोलते हैं तो वो करते हैं प्रयोग हम का। तो बोलने वाला, लिखने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। अब है मध्यम पुरुष। सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे मध्यम पुरुष कहलाते हैं, जैसे तू, तुम आदि। ठीक है। अन्य पुरुष। अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों को अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे वह, वे आदि। अब दूसरे नंबर पर है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं वह गुब्बारा लूँगा। तो यहाँ पर एक निश्चित गुब्बारे की बात हो रही है, तो ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। मुझे यह किताब चाहिए, ये तुम्हारे जूते हैं। इन वाक्यों में वह, यह और ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ आदि। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, लेकिन निश्चित नहीं है हमें कि कौन आ रहा है। दूध में कुछ पड़ा है, पता नहीं है क्या पड़ा है, कुछ पड़ा है। तो इन वाक्यों में कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब है संबंधवाचक सर्वनाम। तो जो शब्द दो शब्दों
या वाक्यों को जोड़कर उनमें संबंध बनाते हैं, जिनसे वाक्यों के बीच में संबंध बनता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा आदि। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इन वाक्यों में जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये दो शब्दों या वाक्यों के बीच में संबंध स्थापित कर रहे हैं। करोगे भरोगे, कौन संबंध स्थापित कर रहा है? जैसा वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने आदि। दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? उसका क्या नाम है? यह शीशा किसने तोड़ा? इन वाक्यों में कौन, क्या और किसने का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब है निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता के निज, स्वयं के अर्थ के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप, खुद, आप आदि। जैसे अपना काम मैं स्वयं ही करता हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें देखा था, चिंता मत करो वह अपने आप उठ जाएगा, वह अपना खाना आप ही बनाता है। अब यहाँ पर कुछ विशेष है, वचन के अनुसार सर्वनाम के रूप में भी परिवर्तन आता है, संज्ञा की तरह सर्वनाम के भी एकवचन और बहुवचन होते हैं। जैसे मैं एकवचन, हम बहुवचन, यह एकवचन, ये बहुवचन। तुम और आप सर्वनामों का प्रयोग हमेशा बहुवचन की तरह ही होता है, चाहे इन्हें हम एक व्यक्ति के लिए ही क्यों ना कहा जा रहा हो। उदाहरण देखो, तुम परीक्षा में अव्वल आई हो, आप कहीं जा रहे थे। तो अब ये जो आप और तुम है इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन की तरह होता है, चाहे ये एक ही के लिए प्रयोग किया जा रहा हो। आ जाते हैं अभ्यास कार्य पे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब ये जो तीनों प्रश्न हैं बच्चों, आप पाठ को अच्छे से दोबारा पुनः पढ़ेंगे और इनके उत्तर देंगे। सर्वनामों के भेदों के नाम लिखो, प्रत्येक के दो दो उदाहरण भी लिखो। पुरुषवाचक सर्वनाम को उसके उपभेदों सहित स्पष्ट करो। निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है बताओ। चलिए, वह यहाँ निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम छांटकर सामने लिखो। निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम छांटकर सामने लिखो। वह यहाँ आया था, वह। मैं आपसे स्वयं बात करूँगा, स्वयं। मुझे कुछ खाने को दे दो, कुछ। ये कौन है? कौन। हम पत्र लिखेंगे, हम। रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम भरो। बाहर कोई खड़ा है, जाकर देख लो। आज गीत किसने गाया था? क्योंकि यहाँ देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो हमें प्रश्नवाचक सर्वनाम ही यहाँ लिखना है। वह अपने आप ही आ जाएगा। जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये हो गए संबंधवाचक सर्वनाम, वह अपने आप ही आ जाएगा, ये हुआ निजवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित वाक्यों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखो। तू मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, सत्य। कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, असत्य। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन निजवाचक सर्वनाम है, असत्य। अब ये जो दो प्रश्न हैं यहाँ पर, इनका उत्तर आप स्वयं देंगे कि ये सत्य है या असत्य है। तो बच्चों,
संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं और इनके सभी भेदों का आप पुनः पाठन करेंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो आशा करती हूँ कि सर्वनाम जो पाठ है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार, मिलते हैं नए पाठ के साथ।